कुंदा नदी में मध्य प्रदेश के खरगोन में उफनती कुंदा नदी में से बस पार करना बस चालक को भारी पड़ा। डीएम ने बस का लाइसेंस निरस्त करने और बस मालिक को नोटिस देने के निर्देश दिए। कुंदा नदी पर बनी अवरकच रफट पर 1.5 से 2 फीट पानी बहने के बावजूद बैरिकेड से हटाकर निकाली बस। लगातार बारिश के कारण खरगोन जिले में कई नदी नाले अब उफान पर आ गए हैं। बांध से पानी छोड़ने के कारण कुंदा नदी में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। जिला मुख्यालय से करीब 12 किलोमीटर दूर खरगोन अवरकच्छ मार्ग पर रपट स्थित है। रपट पर 1.5 से 2 फीट पानी बहने और तेज बहाव के बावजूद जयसवाल बस चालक के लोगों की जान जोखिम में डालते हुए नदी क्रॉस की। बाढ़ के दौरान बस क्रॉस कराते वीडियो डीएम गोपाल चंद दाट के सामने आने पर उन्होंने तत्काल बस के खिलाफ कार्यवाही के निर्देश दे दिए। आरटीओ शैलेंद्र निगम ने जयसवाल बस के खिलाफ कार्यवाही करते हुए बस मालिक के खिलाफ नोटिस जारी किया है। ड्राइवर का लाइसेंस निरस्त करने के निर्देश दिए हैं। संतोषजनक जवाब न मिलने पर लाइसेंस और बस परमिट दोनों निलंबित होगा। खरगोन से अजय तिवारी की रिपोर्ट। हाँ, मैंने आरटीओ को बोला है, वो बस मुझे वीडियो में दिखाई दी, उसमें नंबर के सहित आरटीओ को बोला है कि उसके ड्राइवर के लाइसेंस को निलंबित कर दें और बस को नोटिस जारी करें ताकि फ्यूचर में कहीं भी इस टाइप की घटना ना हो। मैसेज ये मिला है कि बस ड्राइवर जो स्टॉपर लगा हुआ था, पुलिस स्टॉपर, उसको हटाकर और बस को निकाल के ले गया पानी में से, जो ये गलत है, विधि विरुद्ध है और उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई होगी। ऐसी इस पर नहीं, सभी पे होगी जो भी इस टाइप की हरकत करेगा। मतलब क्या माना जैसे इस तरह के मामले जहाँ जाके खबरों में छपे या फिर आए फुटेज आए तो क्या उनकी जानकारी लेकर कार्रवाई की जाएगी? हाँ, ऑफकोर्स, जैसे जैसे मुझे सूचना मिलेगी सभी पे कार्रवाई करेंगे, क्योंकि हमारे लिए जो जान की कीमत बहुत ज़्यादा है, जान किसी की नहीं जाने दे सकते इन ड्राइवर की लापरवाही की वजह से। ठीक है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। खरगोन जिले के भिकनगांव में